इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगु मखदूमी, जो इतना चिकना तो है नहीं, बट टुडे वी आर बैक विद अनदर पॉपुलर हॉरर गेम बाय चिलास आर्ट, जो कमेंट्स में आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, जिसका नाम है द घोस्ट ट्रेन। नाम से ही पता चल रहा है भूतिया ट्रेन होने वाली है, पर क्या होगा, आइए लेट्स फाइंड आउट। केंसुके तानाका, एज 42, जेंडर मेल, ऑक्यूपेशन इंश्योरेंस कंपनी का सेल्स मैनेजर, ओके, जो कि हम है केंसुके तानाका, तेंसुके कानाका, भूल गया नाम। 24/7 माने 24 जुलाई। ऑल राइट, WASD से मूव करिए और राइट क्लिक एक्शन, ओके। ये हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। अभी कुछ समय है ट्रेन पर चढ़ने से पहले, मैं थोड़ा सा फूफू ब्रेक कर सकता हूँ। बंधु, फूफू सेहत के लिए हानिकारक है। मैन, माई थ्रोट्स पार्च्ड, आई बेटर गेट समथिंग। माई थ्रोट्स पार्च्ड का मतलब मेरा गला सूख रहा है। अंकल जी, मुझे धूम्रपान करा दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, वो बोल रहा है। नहीं, देखिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। एड इन देखिए अक्षय कुमार वाली। ऑल्सो माई स्टमक वुड हर्ट अराउंड दिस टाइम, मेरा पेट खाली है, मतलब भूख लग रही है। आई वुड नॉट वॉन्ट टू होल्ड इट ड्यूरिंग द राइड, ट्रेन पर मैं भूखा नहीं रहना चाहता, तो मतलब भाई को कुछ खाना है। तो बोरी वेंडिंग मशीन, एक सेकेंड, मेरे को सुसु भी आ रहा है, सुसु कर लेता हूँ मैं पहले, एक सेकेंड। अरे हल्का हो रहा है भाई, एक मिनट सुसु तो करने, तो ध्यान आराम से। हाँ, हो गया, हाथ भी धो लेता हूँ, हाथ भी धो लिया भाई, ओके। अब वेंडिंग मशीन पे जाके कुछ खा लेते हैं। बाय अ ड्रिंक, ड्रिंक नहीं, हमको तो खाना चाहिए था, ड्रिंक भी ले लेते हैं। मजा आ गया जो भी पिया मैंने, पर मुझे तो खाने के लिए कुछ चाहिए था ना। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा खाली है, स्मोकिंग एरिया। अब भाई को करना है फूफू तो कर, तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई, उसकी अगले की मर्जी है, फूक ले, फेफड़े सड़ जाएंगे। ओहो, धुआं भी निकल रहा है। वेट कर रहा हूं भाई का फूकना खत्म हो। अरे बस हो गया ना, एक कश और मत ले लियो। अरे खींचे जा रहे, बस कर जा, हो गया। एग्जिट, यस यस, फूक लिया भाई, और क्या, कल तक फूकता ही रहेगा, ट्रेन आने का वक्त हो रहा है, मुझे खाना चाहिए, तो ये वाली वेंडिंग मशीन पे खाना होना चाहिए। अरे खाना तो है ही नहीं। What's wrong with that person? Is she all right? अगली की पेट में दर्द हो रही है। ट्रेन ट्रैक पे ही उतर जा, खाना कहां से लाऊं? ये तो फिर से ड्रिंक्स वाली मशीन है, इसको तो मैं यूज भी नहीं कर पा रहा, खाना कहां से ढूंढूं मैं? एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट फूड। अच्छा, मैं मेन वाले बाथरूम में गया, विमेन वाले बाथरूम में जाना चाहिए था, यहां खाना मिलेगा। ये तो शीशा है। खाना, खाना, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट फूड। खाना है क्या? नहीं, ये तो पाइप है, ये पड़ा खाना। नहीं, ये तो बाल्टी है, इसमें भी खाना नहीं है। हेलो हेलो, ऑक्यूपाइड है, यूज द टॉयलेट।
अच्छा यही करना था, सुसु ही करना था, वाह। ड्रिंक पी इसलिए सुसु करना था। अच्छा अच्छा हो गया भाई, ये कहूँ मैं। अरे क्या, पॉटी करनी थी, सुसु नहीं करना था, पॉटी करी है। समझ गया। अब भाई आपका धूम्रपान भी हो गया है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, मैसेज देना ज़रूरी था। और जलपान भी हो गया, धूम्रपान भी हो गया, और टॉयलेट में भुगतान भी हो गया। आगे ट्रेन आ गई, आगे आगे आगे। अरे इसी वक्त फोन आने होते हैं सभी के। चलिए भाई ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं। नाउ आई हैव टू गेट टू माई फेवरेट सीट। अच्छा फेवरेट सीट भी है, द कॉर्नर ऑफ द सेकेंड कोच। दूसरे कोच की कॉर्नर वाली सीट मेरी फेवरेट है, पता नहीं क्यों। कोनिचिमा फोशिरो शिरो शिक्षमने। कोनिचिमा अरिगातो मैडम। सेकंड कोच की कोने वाली सीट तो यही होनी चाहिए। यारी टेक अ सीट। यस मैं अपनी फेवरेट सीट पर बैठ गया। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये क्या है मेरी आंखों के सामने? ऐसी कौन सी मक्खी होती है भाई, इतनी जूम्ड इन मक्खी। चल पड़ी ट्रेन। डिंट माई स्टॉप जस्ट पास्ट बाय? आपका स्टॉप निकल गया? और ये बस मेरी इमेजिनेशन थी क्या? मे बी आई कैन टॉक टू समवन टू कन्फर्म इट। अरे हम सोते रह गए, तो अब हम आगे जाके किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन अगले कोच में तो कोई है ही नहीं, तो हम इन्हीं मैडम से पूछते हैं। कोनिचिवा आपने देखा अभी क्या हुआ? हाँ मैंने देखा, बट आई कांट ब्रिंग माई एनर्जी अप टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आई कांट ब्रिंग माई एनर्जी अप टू डू एनीथिंग अबाउट इट। गुड फॉर यू, दैट वॉज माई स्टॉप। नाउ आई हैव टू टेक द टैक्सी होम। शैल आई गो टॉक टू द कंडक्टर? हाउ नाइस ऑफ हर, इट्स ऑब्वियस शी इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर ओवर टाइम वर्क। आई कैन टेल बाय हर आइज, बेचारी थकी हुई है। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों जाके कंडक्टर से बात करेंगी? आई कांट लेट यू डू दैट। नहीं नहीं आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं खुद ही जाता हूँ, आप यहाँ पर बैठिए आराम करिए। ओके अगर कुछ हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूँगी। ओके जी थैंक यू सो मच, अब मैं जाके कंडक्टर से बात करूँ। अरे भाई का एक सेकेंड, अगर स्टॉप तेरा पीछे रह गया तो तू क्या ही कर लेगा अब उसको? कुछ तो आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या था। भाई आप सोते रह गए, आपका स्टॉप पीछे रह गया, अब मैडम तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, कंडक्टर भी क्या ही कर लेगा, वापस थोड़ी ना ट्रेन को लेके जाएगा तेरे लिए। हाथ में अंडे पकड़ के खड़ा है। अरे इसी की मक्खी थी क्या वो? एस्केप्ड आए, थ्री एस्केप्ड। अच्छा तेरी मक्खियां उड़ गई। कैसे? मैं जल्दी में हूँ, आप साइड हट सकते हैं क्या? खुश नमाज भैया। एस्केप्ड, नॉट इन अ वेरी गुड मूड। इट्स नो गुड, ये तो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। अब जो भी है, आई बेटर गेट वॉट ही वॉन्ट्स। है उसकी मक्खियाँ घूम गई हैं तो रास्ता अटका के खड़ा हो गया, मैं उसकी मक्खियाँ ढूंढ के आऊँ? ये क्या बदतमीजी है।
ये एक वापस दे देता हूँ। ले ले भाई, इसकी तीन मक्खियाँ ढूंढनी पड़ेंगी अब। हद है यार, ये तो अलग ही लेवल की वो है, बदतमीजी। दरवाजे के आगे खड़ा हो गया है, मेरी मक्खियां लाओ तभी जाने दूंगा। कैसा सा है, कहाँ ढूंढूं इसकी मक्खियां? मैं अंधा हूं या मेरे को अब तक एक भी नहीं देखी? अरे छत पे भी देखनी पड़ेगी क्या? अरे भूतिया ट्रेन होने वाली थी, उसमें क्या मक्खियों वाली हरकतें हो रही हैं। एक मक्खी यहीं तो मेरे मुंह पे बैठी हुई थी, तो यहीं कहीं होनी। अरे वाह वाह वाह, गुड 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 लॉजिक लगाया मैंने। तीसरी वाली शायद आखिरी उसमें होगी। मक्खी। और पीछे जा नहीं सकते। ओ ये रही, ये तीनों मक्खी मिल गई। हुए 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 हुए। पर ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी है। मैडम आपने देखा वो क्या कर रहे हैं? मक्खियां ढूंढवा रहे हैं मुझसे। मैं यहाँ पे मक्खियां पकड़ने के लिए आया हूँ। ला 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 ला। ओ भाई साहब, ओ थोड़ा सा तो कष्ट कर लो, आपकी मक्खियाँ पकड़ी हुई हैं, आके कलेक्ट कर लो इन्हें। वो भी मैं आके आपके पिंजरे में डाल के जाऊं। और देख कैसे स्माइल मार के खड़े, मक्खियाँ दे दो, मक्खियाँ दे दो, चल भाग। अरे ले तो आया, अभी तो लाके दी। एक सेकंड, एक बारी में एक ही उठा सकते थे, तो इसका मतलब वो सेंटर। वेट, मैंने मक्खी इस पे हो गई ना, तीन हो गई, एक गिर गई थी अपने आप ही, ये कैसे हुआ? तेरे रपटे ही रपटे मारूं मैं, मक्खियां पकड़वाई हैं जो मुझसे तूने। हाय, इसकी शक्ल का है? डू आई नीड एनीथिंग? यस आई वांट द ट्रेन टू स्टॉप ऑन द नेक्स्ट स्टॉप प्लीज। यू फॉरगॉट टू स्टॉप ऑन द प्रीवियस वन? हाँ भाई साहब, मैं अपनी स्टॉप पे रुकना भूल गया, एक्चुअली सो गया था वो। एक्चुअली मैं हाँ सो ही गया था। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। वी विल प्रिपेयर यू द कंपेंसेशन नेसेसरी फॉर द मिसहैप। अरे सोया मैं हूँ, पैसे ये मेरे को देंगे? वाह यार, ये बड़ी अच्छी कंट्री है। प्लीज लीव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हेयर। ओके थैंक्स। कोनिचिवा, ओ सॉरी, अरिगातो। आई डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू कंप्लेन टू द रेलवे कंपनी। आई एम जस्ट रिलीव दैट इट वॉजेंट एनीथिंग सीरियस। हम जाने देता हूँ इस बार। आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू टुमोरोज वर्क। कल काम पे नहीं आना चाहता मैं, अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। चलो अगला दिन 25 जुलाई। फिर से वही रेलवे स्टेशन पर चमकती हुई लाइट आंखों को चुंधियाती हुई। अब क्या फिर से सुसु पार्टी सब करना है आपको? आई थिंक करना ही पड़ेगा, वो डेली का होगा इसका। पहले यहाँ पे जाके पार्टी करेगा, मैं बता रहा हूँ इसका डेली का है। पहले पॉटी करता है, फिर वहाँ से ड्रिंक पीता है, फिर फूंकता है, फिर ट्रेन में चढ़ता है। अब ये फ्लश करेगा इधर। हाँ आज नो फ्लश।
करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा फ्लैश। चलिए जी, फ्लैश कर दिया है, अब बाहर निकलते हैं। पूरा स्टेशन खाली है। नहीं आज ड्रिंक नहीं, इससे नहीं लूंगा। अच्छा इसमें भी ड्रिंक ही है। अरे खाने के लिए कुछ है ही नहीं, रोज रोज वही ड्रिंक पीते रहो बस। ड्रिंक पी ली, अब भाई को धूम्रपान करना भी तो जरूरी है। कर ले भाई कर ले, फेफड़े सड़ जाएंगे तेरे। अरे बस हो गया ना, बाहर निकल भाई, कितना और करेगा, छोड़ दे। अरे बस भाई निकल जा, हो गया आज का, प्लीज थैंक गॉड। चार कश खींचते हैं रोज के। अब ट्रेन आएगी, इधर से आई थी ना पिछली बार, पटरी पे उतर जाता हूँ। हल्का सा पीछे हो जाता हूँ, मरी ना जाऊं। चढ़ गया मैं ट्रेन, द घोस्ट ट्रेन। फिर से वो मक्खियों वाला बंदा ना मिल जाए मेरे को, आज तो मैं घुसा ही घुसा मारूंगा उसके। मेरी मक्खी ढूंढ दो, हट। अरे ये वाली मैडम फिर से, या और एग्जैक्टली सेम चीज बोली उसने, शी इज हियर अगेन, मजाक से हटके। देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट्स कंफर्टेड बाय हर ऑलवेज बीइंग देयर। मुझे ऑनेस्टली तसल्ली होती है कि रोज यहाँ होती है। मे बी मुझे उनसे बात करनी चाहिए। हाँ यार वैसे तो देख इसका मुंह एकदम, इसने वाइट वाला वो पाउडर लगा रखा है जो कि यूजुअली जब कोई आत्मा बन जाता है तब होता है। मैं बता रहा हूँ ये भूत नहीं है, ये ऑब्वियसली घोस्ट ट्रेन नाम है गेम का, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अरे कहाँ गई मुंडी, कहाँ गई उसकी। हे वैसे मेरे में यूजुअली इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, बट आई फील आज तो मुझे इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। आई गेस कल के इंसिडेंट के लिए इनको थैंक्स बोल देता हूँ। हे hey, क्या तुम कल रात को सेफली घर पहुँच गए थे। हाँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ Why? If it's okay with me, I'm all ears. Interested है बात करने में। अरिगातो। But कुछ है ही नहीं इसके बारे में, मैं क्यों ही फालतू में रोना रहूं? बहुत लेट हो चुका है। I don't think there's anything late about talking to someone about their struggles. सही बात है, किसी की जिंदगी की स्ट्रगल के बारे में बात करने के लिए कभी लेट नहीं होता है। No! लेट हो गया है। हाँ आ, आई एम सॉरी, काफी मुश्किल है। आईड रादर नॉट टॉक अबाउट इट, मुझे माफ कर दीजिए। ओके वेल आई एम श्योर यू हैव सीन मी मेनी टाइम्स ऑलरेडी। जी मैडम मैंने आपको बहुत बार देखा है, बट आई एम यूजुअली ऑन दिस ट्रेन एट दिस टाइम। अच्छा आप इतने बजे ही होते हो इस ट्रेन पे, सो ओके मैं दिमाग में रखूंगा। अच्छा मेरे को मेरी फेवरेट वाली सीट पे बैठना है जो कि है ये वाली। हाँ जी सीट ले लो। बैठ गया हूँ मैं, अब मत सोते रह जाइयो फिर से तेरा स्टेशन मिस हो जाए। अरे अरे बशा आ गया, बशा व्हाट द हेल, ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है। इतनी रात को एक छोटे से बच्चे को ऐसे यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए। टैटी अरे अरे मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। आप अलग लग रहे हो। नाउ यू बेटर गो बैक टू योर डैड, जाओ अपने पापा को ढूंढो। ओह अबाउट दैट मुझे याद नहीं आ रहा मेरे पापा कहाँ हैं।
आई वॉज चेसिंग अ सिकेरा आई सॉ ऑन द विंडो. सिकेरा सिकेरा मैंने वो मच्छरी या वो कौन वो कीड़ा. और अभी मुझे बहुत डर लग रहा है वापस जाने में अकेले. मिस्टर क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे पापा को ढूंढने में मदद कर सकते हैं प्लीज. ईदर वे मैं एक बच्चे को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता अकेले. आई गेस मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. ओके बेटा आ रहा हूँ. ये बच्चा खुश हो गया. थैंक यू मिस्टर कोनाइचीवा. आ जा बेटे वो रहे तेरे पापा. कोनाइचीवा मुसु मुसुसान आपका बच्चा. अरे अरे बशे. हे मिस्टर व्हाट इज इट. देयर समथिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. हाँ बताओ. वेल मैं भूल चुका हूँ मेरे पापा कैसे दिखते हैं. अबे आप पागल है क्या, ये पॉसिबल भी कैसे है. आई थिंक वो एक मिडल एज्ड आदमी लगते हैं, इसीलिए मुझे लगा आप मेरे पापा हैं. आई थिंक दी ओनली वे इज टू टॉक टू दी वंस दैट लुक लाइक माई डैड. जो मेरे पापा जैसे लगते हैं उन सबसे बात करो. अच्छा ठीक है. तो क्या आप उस बच्चे के बाप हैं? एक्सक्यूज मी आपको परेशान करने के लिए माफी. आप इस बच्ची को जानते हैं? हैं? नहीं मैं नहीं जानता. ओके ओके सॉरी टू डिस्टर्ब यू. ये तो पक्का इसका पापा है. हाँ शक्ल से ही लग रहा है. एक्सक्यूज मी आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ. क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? आए नहीं. क्यों तुम इसके पेरेंट्स के लिए ढूंढ रहे हो? हाँ इसने बोला कि ये अपने पापा के साथ यहाँ पर है. बहुत ही कम होता है कि एक यंग बच्चा ऐसे यहाँ पर अकेले हो. क्या ही लोगों की दिक्कत क्या है आजकल. वेल गुड लक टू यू. थैंक यू अरिगातो. ये तो पक्का ही इसके पापा हैं. छत के पार सर जा रहा है इनका. अरे अरे वाह सर. अरे दिख भी नहीं रहे आप तो मिथपैट हैं. वो भी दूसरे फ्लोर पे देखना पड़ता है ना. एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी टू बॉदर यू पर क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? नो आई डोंट. सॉरी मुझे लगा आप इसके पापा हैं. मैंने इसको सोते हुए देखा कुछ टाइम पहले आपके पास. हाँ ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है. हाँ हाँ देयर इज नथिंग फनी अबाउट इट. गाली देके तुम्हें लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये करना चाहता हूँ. मेरी भी मजबूरी है. ये ट्रेन कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हो गई आज? इतनी लंबी ट्रेन तो नहीं थी ये कल तक. अरे बशी के पापा. अरे आप पिछली पीछी सीटों पे भी तो आप ही थे. एक्सक्यूज मी क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं. एंड मेरे से बात मत करो. अब आप पागल है क्या, थप्पड़ मारो. दैट कांट बी. हर फादर इजंट इवन ऑन द ट्रेन. इसके पापा ट्रेन पर है ही नहीं. कुड इट बी कि वो उसको यहीं पे छोड़ गए हैं. अरे कहाँ भाग रही है बशी. बशी रुक जा बशी. अरे शोड़ी बशी. शोड़ी बशी हो क्या? अरे बहुत तेज भाग रही है. मैं तो फुल स्पीड एकदम फुल स्पीड पे भी नहीं पहुंच पा रहा. मिथपैट वो तेरी बच्ची है मेरे को पता है. भाग गई. अरे अरे बच्ची रुक जा. अरे कहाँ भाग रही है इतनी तेज तेज. अरे कोनिच्वा. अब क्या करूँ, उस बच्ची के पीछे जाऊँ ना जाऊँ? दिमाग तो कहता है नहीं जाना चाहिए पर दिल कहता है छोड़ी बशी है वो. और छोड़ी बशी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए. इतनी बड़ी ट्रेन पे गिनती के चार लोग हैं. हाँ वो बच्ची कहाँ गई? ये लास्ट बोगी थी. अरे अरे इतने सारे मक्खियां मच्छर क्यों उड़ रहे हैं? अरे वो बच्ची अब उधर भाग रही है और ट्रेन के साइड में मक्खियां उड़ रही हैं.
दैट इज फ्रीकिंग वियर्ड। अरे वो बच्ची फिर का, ये क्या हुआ है? बच्ची आसमान से गिरी? आए मेरा स्टॉप आ गया, ये सब क्या था? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे लग रहा है ये सपना था रियलिटी थी मुझे पता ही नहीं। अरे ब्रो अस, ब्रो अस। नेक्स्ट डे 26 जुलाई, चलो 3 दिन तो जिंदा रह लिया मैं, अचीवमेंट हो गया। अब फिर भाई रोज का रूटीन, पहले जाके पोटी करो, फिर बाहर आके सुट्टा भूगो, फिर एक ड्रिंक पियो। अबे ले भाई जा टॉयलेट चले जा, जा कर ले पोटी, कर ले भाई, कर ले, फ्रेश हो जा भाई, एवरीबडी डिजर्व्स टू गेट फ्रेश। हो गई बाहर निकलने का साइन नहीं आया अभी तक, कोई है बाहर? अरे क्या हो गया, डर का है रहे हैं भाई? अरे कोई और आया पॉटी करने, उस चेक कर रहा था कि बाथरूम खाली है या नहीं। वैसे इस ट्रेन स्टेशन पे इतनी रात को कोई होता नहीं है, बट ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि 2 दिन नहीं कोई दिखा तो तीसरे दिन भी कोई नहीं आएगा। किसी को आ रही थी भाई पॉटी तो वो कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे को क्या, मेरे को तो वहाँ पे जाके धूम्रपान करना जलपान कर लिया है, अब धूम्रपान करेंगे। ले भाई कर ले भाई, ले ले कर ले। फिर वही 4 कश खींचेगा, एक, दो, तीन, ये कैसी आवाज थी? चल हो गए ना 4, आज 5 खींच लिए भाई ने। कुछ आवाज तो आई थी टक करके सामने से। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आ गई है। चलिए जी, तीसरे दिन भी हम ट्रेन पर चढ़ गए हैं। अब फिर से वही अपनी फेवरेट सीट पे जाके बैठूंगा, पर क्या वो मोहतरमा होंगी आज भी? ओह नो, वो नहीं है, शी इज नॉट हियर। बेचारी आज नहीं आई, अफसोस हुआ बहुत ज्यादा। पर कोई यो के चीज पड़ी है भाई। हाँ ये क्या है? हाँ 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 बच्चे की रोने की आवाज आई। हाँ कुछ पड़ा हुआ है मेरी फेवरेट सीट पे, तो यहाँ बैठ जा, नहीं बैठेगा तो मैडम की सीट पे बैठ जा, नहीं बैठेगा
अब क्या करें, इधर बैठ जाता हूँ। हाँ, मेरी फेवरेट सीट पर तो आज कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। 3 काली कलर की पेटियाँ जो अभी भी पड़ी हुई है। अरे शिट, लाइट चली गई। क्या हो रहा है, अ ब्लैकआउट? इस ट्रेन के साथ कुछ तो दिक्कत है। वक्त क्या हो रहा है? 2 AM ओ माय गॉड, ये तो मेरे यूजुअल अराइवल टाइम से काफ़ी लेट है। मुझे कंडक्टर से बात करनी चाहिए। ओके ब्रो, बट इट्स सो मच अंधेरा, व्हाई डू यू वांट टू गो इन सो मच अंधेरा? मत जा ब्रो, मत जा, बता रहा हूं मैं, मत जा। कंडक्टर साहब, ओ कंडक्टर साहब, बोगी नंबर 4, बोगी नंबर 5, कंडक्टर साहब का तो ढक्कन ही बंद है, अब क्या करूं? कंडक्टर साहब, आप तो धोखा दे दिए, अब वापस जाओ और क्या। थोड़ा थोड़ा तो मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, बस जस्ट थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर फर्स्ट हुई ये लेडी तो यहां पे नहीं थी। कोनिचिवा, कोई दिक्कत? आपको दिखाई नहीं दे रहा, ट्रेन बहुत अजीब सी एक्ट कर रही है। मैं कंडक्टर रूम में जाने की कोशिश करी पर वो दरवाजे ही बंद है। आप इतने काम कैसे हो सकती हैं? आपको क्या सुनाई दे रहा है? हाँ क्या? आई कैन हेल्प यू ओनली वेन यू हेयर द वॉइस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इवन इन द मिडस्ट ऑफ क्राइसिस। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगी जब तुम्हें इस वर्ल्ड में हो रही नेचुरल वॉइसेस के बीच में भी क्राइसिस की आवाजें आ रही हो। क्या बोल रही है? सो प्लीज टेल मी। सी साइड आवाजें आ रही है मेरे को, है ना? ना मच्छरों की आ रही है, ना टेंपल बेल है, ना समर फेस्टिवल है, ना फॉरेस्ट है। हाँ आई थिंक यही है, सी साइड, नदी वाली आवाज आ रही है। गलत है तो सी साइड ही नहीं तो फॉरेस्ट की होगी। इन द ऑर्डर इन विच यू हेयर देम, व्हाट डू यू हेयर? मतलब ओके, बोगी नंबर 1 में आवाज आ रही है टेंपल बेल, है ना? फिर बोगी नंबर 2 में आवाज आ रही है समुद्र की। हाँ, फिर बोगी नंबर 3 में आवाज आ रही है ये टेंपल बेल है।
या ये समर फेस्टिवल भी हो सकता है, हू नोस। बोगी नंबर 4 में ये तो चर्पिंग की आवाज है, इसे केडास की हो सकती है या फिर चिड़िया की। फिर बोगी नंबर 5 में ये सिकेडाज है, नहीं ये फॉरेस्ट भी हो सकता है, ये सिकेडाज है और ये फिर फॉरेस्ट होगा, ये फॉरेस्ट है, चिड़िया वड़िया की आवाज आ रही है और 5 के आगे तो जा ही नहीं सकता मैं। चलो तो 1 भी कुछ बेल जैसा था, 2 वो था सी साइड। अच्छा ऑर्डर में बतानी है, ओके ओके। पर ये कैसा अजीब सा टास्क दी थी दीदी ने। हाँ जी दीदी, तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो आवाज़ आ रही है वो टेंपल, नहीं टेंपल बेल नहीं है, तो फिर वो होगी इन विच ऑर्डर डू यू हेयर देम, स्टार्ट ओवर सारे तो मार्क कर लिए। ये क्या चाहती है? दूसरे में तो सी साइड है, ये पहले में कौन सी आवाज है? बेटे आवाज बदल गई क्या? ये तो क्लॉक जैसी आवाज है, ये तो क्लॉक की आवाज है। हाँ ये तो घंटी की आवाज है। फिर यहां पे ये सी की है, इतना सिंपल टास्क नहीं हो रहा। ये सी है, फिर ये टेंपल बेल या फिर कोई ऐसा फेस्ट वेस्ट हो रहा है। चौथे में जंगल, क्योंकि बहुत सारे, और आखिरी में सिकेड़ा है। अब तो पक्का पता है मेरे को, पहले में टंग घंटी की आवाज है। हेलो सुनो, सबसे पहले आती है आवाज टंग, तो वो टेंपल बेल होगी। फिर सेकंड आती है सी साइड, फिर थर्ड आती है समर फेस्टिवल, फोर्थ आती है फॉरेस्ट, और फिफ्थ आती है सिकेडास। फाइनली द अदर वर्ल्ड सेज यू इंडीड हेयर द वॉइसेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, द अदर वर्ल्ड हैज अलाउड मी टू कॉल द हेल्पर, इट शुड बी हेयर एनी सेकेंड। पागल है क्या तू थोड़ी? व्हेन यू टॉक टू द हेल्पर द ट्रेन शुड कम टू अ हॉल्ट। यू आर वियर्ड दीदी, यू आर वेरी वियर्ड। लाइट आ गई। व्हाट आर दोज बॉक्सेस? वो मेरे बच्चे हैं। आई एम जस्ट अ लवर ऑफ कैट्स यू सी।
वो बिल्ली है। बाकी भी यस ही इज माई चाइल्ड टू बट ही इज नॉट इन अ प्रेजेंटेबल स्टेट राइट नाउ। ओके ठीक है ठीक है, मुझे क्या लेना देना। लाइट आ गई, ट्रेन ठीक हो गई, मैं चाहता हूँ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। यही थी ना मेरी कुर्सी, ये वाली थी, थी तो यही। सेकंड बोगी में ही बैठता था तू, ये थर्ड है तो फिर तो सेकंड बोगी उधर है। अच्छा ये आपके बच्चे हैं, उनके साथ बैठो। इधर था या इधर, ये कहाँ पे बैठना चाहेगा आप तो? मैं तो कह रहा हूं किसको ढूंढना है मुझे। ओए एक भैया आ गए ट्रेन में, ये हेल्पर है क्या? हेल्पर ऑफ द अदर वर्ल्ड। नमस्ते अंकल, क्या आप हेल्पर हैं? किस बारे में बात कर रहा है? आप कौन है? वेट अ सेकंड, मैं आपको जानता हूँ। तुम तो मेरे हाई स्कूल में ट्रबल मचाने वालों में से एक थे। तुम तो चेंज नहीं हुए। मिस्टर शिमिज़ू, हाउ नॉस्टैल्जिक। ही इज़ द मैन हु सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट। विदाउट हिम I wouldn't be in such a position in my company today. But Mr. Shimizu, आप इतनी रात को? Well, ये मेरी हॉबी है, इसे लास्ट ट्रेन राइड करना सोने से पहले। Weirdo, he never changes. However, now is the time for a reunion. Now is not the time for a reunion. Sir, ये ट्रेन काफ़ी घंटों से रुक ही नहीं रही है। And I am afraid this train will never come to a stop. Is there anything I can do? I understand. Okay, ध्यान से सुनो बच्चे। You must get off the train before the train reaches the end. My destination is at the end and trust me, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। There are three stops where you can get off at. However, you must choose the right one. There will be an announcement melody played on every stop, okay? When you hear the same sound as the sound you heard on the home station. Oh, home station पे कौन सी आवाज़ सुनी थी? तब उतर जाना। कोई तो एक गाना था। Otherwise, बाद में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। So be careful, young one. Okay. कौन सा गाना था? अब गाने सुनने हैं। ये नहीं था, आई डोंट थिंक ये था, वो कुछ अलग गाना था। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला भी गाना बज रहा है। क्या करूँ, रिकॉर्डिंग चेक करके देखूँ? नहीं यार, चिटिंग हो जाएगी। अब सोच सोच कौन सा गाना था वो। ओके शायद अब पता चल जाए। ये तो नहीं है, मेरे ख्याल से पिछला वाला था। आई थिंक फर्स्ट वाला सही था। ओह नो, मेरे को तो याद ही नहीं कौन सा गाना था। शिट, अब मैं गलत चूज करने वाला हूं। नो वे, अब तो उतरना ही पड़ेगा ना। शायद यही था।
गेट ऑफ एट द राइट स्टेशन. यस लेट्स गो. अरे अचीवमेंट आई है गेट ऑफ एट द राइट स्टेशन वाली. मुझे लगा मेरे को पता ही था. तुक्का लग गया. नमस्ते अंकल. भाई साहब लग रहा है आपका कार्ड रीडेबल नहीं है. ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है. कल तो अच्छा खासा चल रहा था. क्या आप मुझे आज जाने दे सकते हैं? मैं अपनी ट्रेन नहीं मिस करना चाहता. वहीं रुकिए. डोंट यू इवन ट्राई टू गेट पास्ट. अगर तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा तो तुम टिकट लो. क्या आप मुझे एक नया कार्ड दिलवाने में मदद नहीं कर सकते? नो नो कैन डू. यू हैव टू डू दैट ड्यूरिंग द डे. आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम. ओहो अब टिकट लेने जाना पड़ेगा. टिकट काउंटर कहाँ है? तू ही दे देना टिकट. तू किस लिए है? यही देगा क्या टिकट? हेलो टिकट देना. ए टिकट देना. ओए अब टिकट लेने के लिए पीछे जाना पड़ेगा. पर देखो यार गाना सही चूज किया मैंने. वो है क्या टिकट काउंटर? उधर वही लग रहा है क्योंकि वही लाइट जल रही है. बाकी तो सब बंद लग रहा है. वही है पक्का यही है. ओके 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 यही है पक्का टिकट काउंटर. यस यस बाय अ टिकट. थैंक गॉड आ गई टिकट आ गई. किसी का तो चलने की आवाज थी. ये भी भाग गया. अरे ये बंदा भाई जब ये है ही नहीं तो मैं वैसे ही भाग जाता. टिकट लेने की याद रहती और बहुत ही ज्यादा प्रज्वलित ही होता है ना बहुत ज्यादा लाइट को. अरे आज पेशाब भी नहीं करने देंगे. आज मेरे को ड्रिंक भी नहीं खरीदने देंगे. ओके वेट वहां पे कोई है. ओ शेट ओ नो ओ शेट. ओ नो अरे ये तो नीचे आ रही है. अरे भाग. अरे पागल हो गया है. अरे मैं पागल हो गया है. अरे सुट्टा फूक ले आज मैं कह रहा हूँ फूक ले. अरे मतलब वो सुट्टा फूकने वाले उसके अंदर जा. अरे नहीं ट्रेन आ जा. अबे वो ऊपर कोई बैठी हुई रेंग के नीचे आ रही थी और मैं उसके पास जा रहा था. खुल जल्दी खुल जल्दी खुल. ये क्या हुआ. ओह ट्रेन पे चढ़ गया. अरे घोस्ट ट्रेन थी. घोस्ट ट्रेन स्टेशन नहीं था. जिंदा है ना बस हम. हाँ ठीक है. नो डोंट टेक अ सीट. ओके यू हैव टू टेक अ सीट. ले ले भाई ले ले. ओके okay.
सब ठीक है आई थिंक। आ गया स्टेशन, आ गया, आ गया ना स्टेशन, आ गया। उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, ये ट्रेन फिर नहीं रुक रही? दिस इज नॉट इवन फनी एनी मोर। अबे तो तू इस ट्रेन में रोज क्यों आ जाता है? कल जो हुआ उसके बाद तो तेरे को आना ही नहीं चाहिए था। किसी की तो पैरों की आवाज थी पीछे। अबे कंडक्टर, ओए कंडक्टर, ओए तू क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? ये अपने खेल खेला आप मेरे साथ मत खेलिए, ये आप खेला खेलिए उनके साथ जो खेलने में इंटरेस्टेड हो। मैं ये खेला खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। खोल दरवाजा, ओए कंडक्टर। कंडक्टर ही नहीं है ट्रेन में। ट्राई ऑपरेटिंग द ट्रेन, मैं खुद चला। हाँ चलाते हैं, लेट्स गो। ये मैंने ये भी कोर्स कराया गाइस, जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली थी। द ट्रेन डजंट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग आई एम प्रेसिंग। देयर इज अ की होल, लुक्स लाइक आई नीड अ की टू ऑपरेट इट। अब की ढूंढनी पड़ेगी। दरवाजा भी बंद है। की की आसमान में लटकी होगी। ओह नो, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। ओए वो लेडी शीशे में दिख रही है पर यहां नहीं है। इधर नहीं दिख रही थी पर यहां दिख रही है। मैडम, मैडम आर यू हियर मैडम? ओह नो, ये क्या है? की, ट्रेन की मिल गई क्या? आई थिंक सो, ये और क्या हो सकता है? कुछ तो आवाज आई मेरे को अभी। नहीं, ये तो दरवाजे का है। तो ये मेरे को क्या मिला है? हैंडल? इफ नॉट अ की देन इज दिस अ हैंडल? आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज, बट आई थिंक आई जस्ट नीड टू कीप मूविंग एंड देन आई विल फाइंड अ प्लेस जहां पे ये जो भी है मेरे हाथ में, पंखा, हैंडल, व्हाटएवर। गोल्फ वाली वो स्टिक शायद, पर ये सब मैं क्यों ले रहा हूं? दारू की बोतल, ये सब मेरे को सामान मिल क्यों रहा भाई? जूते चाहिए आपको लड़की के? खोल दे यार, अब क्या करूं? मैं तो कंफ्यूजन में हूं भाई,
पर कहाँ ये अंकल जी बैठे हो, नॉक क्यों कर रहे हैं? अरे जाना। दरवाजे खुले हैं, रैंडम आवाजें आ रही हैं। एक सेकंड, मेरे को जो चार चीजें मिली, मेरे को शीशे में लोग दिख रहे हैं, है ना? तो जिसकी जो चीज है वो उसको देनी है, ऐसा कुछ है क्या? ओ ये हो सकता है, ये लड़कियों के सैंडल है तो ये प्रोबेबली वो मोहतरमा जो दिख रही थी शीशे में उनको देने हैं। ये बंदे की मक्खियाँ थी, नहीं सैंडल तो नहीं लेगा ये, ऐसा ही कुछ लग रहा है। और ये चीज़ें मेरे को मिल क्यों रही हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है इनका। यहाँ पे लेडी है ना, ये रही लेडी, ये लो आप अपने सैंडल ले लो, प्लेस शूज। यस, ओ जो जिसकी निशानी है उसकी वो वहाँ पे रखनी है। ये क्या है, तो पता ही नहीं क्या है मेरे हाथ में, टोस्ट जैसा कुछ है। मैडम आप ही के सैंडल हो सकते हैं, और तो किसी के नहीं लग रहे। तो ये टोस्ट, ओके पांच बोगियाँ, पांचों में एक एक बंदे की फोटो है ना। इसमें है, इसमें बॉटल आएगी, यहाँ पे बॉटल रखनी है, ठीक है। ये आई थिंक वो मक्खी पकड़ने वाला केज है। ओ भाई, ओ भाई, आई एम स्मार्ट बॉय, आई एम एक्चुअली डूइंग द राइट थिंग। जैसे ये मक्खी पकड़ने वाला बंदा यहाँ है ना, तो इसका यहाँ पे रख देंगे। यस, बग केज, मतलब ये एक भूतिया ट्रेन थी और वो सब लोग जो मुझे मिले थे वो सब ऑलरेडी मर चुके थे, तो मुझे उनकी, अब मैं उनकी निशानियाँ जो हैं वो उन तक पहुँचा रहा हूँ। ये बंदा ठक 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 कर रहा है, तो इसको गोल स्टिक प्लेस केन। ओह उसका टक टक रुक गया, ये सही है, ओके। और ये बच्ची के पास वो है विंड मिल जैसा जो भी होता है वो, ए कहाँ गया ये रहा, ये यहाँ रख देते हैं। और आखिरी चीज है ये दारू की बोतल, ये वो दारूबाज वाला आदमी का है। किधर है, वेर आर यू, वेर आर यू, वेर आर यू? आई थिंक ये इस बोगी में था, वो लास्ट फाइव नंबर बोगी में इधर था। और इसकी बोतल रख देंगे यहाँ पे। पांचों को जो भी चाहिए था भाई मैंने सब रख दिया है। क्या हुआ है, ओ मैं इससे डर गया था। कुछ तो ढिटम ढिटम आवाज आई, पर किस चीज की आवाज थी? हेलो 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 हेलो, सारे गायब हो गए? मुझे नहीं, अभी भी हैं। ट्रेन रुक गई, हाँ ट्रेन रुक गई। भाई मैंने सबको शांति दिलवा दी ना, सल्वेशन मिल गई सबको, उनकी आत्माओं को, क्योंकि मैंने उनकी फेवरेट चीज़ें उन तक पहुंचा दी, तो मुझे तो जी लेने दो। मैंने तो कोई बुरा काम नहीं करा, बस रात को ट्रेन में ट्रैवल करता था, उसमें मेरी क्या गलती है? सारी सही जगह पे रखी थी आइटम्स। क्या हो रहा है,
ओ माय गॉड, ये तो वही ट्रेन स्टेशन वाली भूतनी है। बाप रे, अरे भाग भाग, फुल स्पीड में भाग। अरे पर मैंने किया है, मुझे क्यों मारना चाहती है? ऑफ कोर्स घोस्ट ट्रेन है तो घोस्ट तो आएगा ही। ये तो पास आ रही है। कम ऑन। ओए, उतर गया मैं ट्रेन से उतर गया। मैं बच गया। गई भूतिया ट्रेन किसार आ गई। मैं कभी नहीं जा। अरे अंकल आप फिर से। लुक्स लाइक यू मेड इट। अरे दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। हाँ मेरे को भी लगता है तुम्हें घर जाने के लिए एक राइड चाहिए होगी, बट मेरे पास तो घर ही नहीं है। डोंट वरी, जस्ट कॉल होम नाउ। होम, दे शुड नो वेयर टू पिक यू अप। कॉल देम नाउ बिफोर यू गेट लॉस्ट इन द ट्रैक्स। क्या करना है? कॉल होम बोला अंकल ने। जस्ट कॉल होम बिफोर यू गेट लॉस्ट इन द ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक पे आ गया मैं। नहीं, उससे पहले अंकल ने बोला था कॉल होम। जस्ट कॉल होम बिफोर यू गेट लॉस्ट इन द ट्रैक्स। तो किधर से कॉल करने का? यहाँ लाइट चमक रही है, ये टेलीफोन बूथ है। पानी पी लेता हूँ। अंकल कॉल कैसे करूं? अंकल यहाँ तो कॉल करने के लिए कुछ है। ये है क्या रेड वाली मशीन? ये तो पोस्ट है। अंकल यहाँ तो कॉल करने का कुछ भी नहीं है। तो मतलब उस ट्रैक पे ही जाने? ओके, व्हाटएवर। क्या है भाई, घोस्ट ट्रेन से उतर तो गया मैं। ओह, वो रहा घर। फोन बूथ। मैं भूल गया भाई सब कुछ। महा अजीब गेम है। जस्ट कॉल होम बिफोर यू गेट लॉस्ट इन द ट्रैक्स, दे विल नो वेयर टू फाइंड यू, वेयर टू पिक यू अप। दिस फोन बूथ ओनली एक्सेप्ट्स 10 एंड 100 येन कॉइन्स। आई हैव अ 10 एंड 50 येन कॉइन। सीम्स लाइक आई हैव ओनली गॉट वन चांस। ओके, जस्ट कॉल होम। हु शुड आई कॉल? होम। आई नो दैट नो वन वुड आंसर, बट फिर भी मिलाना है। बट आई हैव टू फॉलो व्हाट मिस्टर शिमिज़ू टोल्ड मी। यस यस, हेलो, व्हाट? आई कांट बिलीव समवन आंसर्ड। पर ये किसने फोन उठाया? हेलो, हु इज दिस? दिस वॉइस, आई नो दिस वॉइस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट्स माय वाइफ। हाउ कुड दिस बी? आई कॉल्ड दिस नंबर मेनी टाइम्स hoping that someone would answer, but no one ever would. Kabhi koi phone nahi uthata. Excuse me, I should hurry. I only got a few seconds until my minute is up. Eco, when did you come home? Eco, I've been looking for you ever since you left. Ever since Eco left, main usko dhoond raha hu. It's hard holding back my tears. Mujhe rona aa raha hai. However, now is not the time. मैं रो नहीं सकता। Kensuke? Where are you, Kensuke? Kisaragi. I am at Kisaragi. Kisaragi station? No, don't tell me. What do you mean? What did I do? So, you too? I know exactly where you are.
Stay right there. I'll be there soon. Okay, मैंने इको को फोन मिलाया और इको बोली कि यहीं पे रहो. Okay. अब ट्रैक पे नहीं जाऊंगा, किसारागी स्टेशन पे बोला उसने जाओ तो मैं वापस जाऊंगा बीवी के पास, बीवी के पास. लेकिन बीवी ने बोला यू टू, तो इतने टाइम से जो मेरी बीवी गायब है. इसने बोला कि मेरी बीवी तो गायब थी तो फोन कैसे उठाया उसने, और उसने जब मुझसे पूछा कहाँ हो मैंने बोला किसारागी स्टेशन तो वो बोलती यू टू. ओ मतलब वो भी यहाँ खो गई. अब मेरे को यहाँ पे आगे ट्रेन ट्रैक पे जाना चाहिए या नहीं? मेरी बीवी ने बोला स्टे राइट देयर, तो अगर मैं रुकूंगा इधर क्या करने का है? मिस्टर मेनुसुको से बात करके देखूं क्या बोलते ले, क्या बोलते? यू आर गोना नीड अ राइड. हुए तो वही बार बार वही बोल रहे हैं. अंकल मेरी बीवी बोली यही आएगी पिकअप करने, पर अंकल बोले कि घर फोन कर देना ट्रेन ट्रैक पे लॉस्ट होने से पहले, मतलब इधर ही जाना पड़ेगा. पर बीवी की बात का आदर करना है ना, उसने बोला वहीं रुको किसारागी स्टेशन पे. अब जो होगा देखा जाएगा. चल पड़ा हूँ इस रास्ते पे मैं दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, बस निकल पड़ा हूँ मैं इस ट्रेन ट्रैक पे मरने. हेरे ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. बीट बॉक्सिंग का गॉड भाई. काश मेरे को भी आती होती बीट बॉक्सिंग, फिर मैं भी ऐसे. ओए सामने गड्डी है, डोंट टेल मी इको आ गई, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई मेरे को बचाने. आ गई जी आ गई, बीवी आ गई बचाने, बचा लेगा बीवी ने. I could not believe my eyes. It was my wife's car. She hasn't changed. I took her into my arms and cried. I am glad, she whispered, patting my back. I held her hand. मैंने उसका हाथ पकड़े और गाड़ी में बैठ गया. You are here too early, she said as we were driving. I did not know what she meant by that, but it did not matter. All that mattered was that I got to see her again. We did not have much of a conversation during the ride. There was so much to ask, yet there wasn't much to be said. I was happy enough to have her presence next to me, and rather soon we arrived at my place. She dropped me off and unlocked the door to my apartment. And just as I looked back, excited to invite her, she was gone. Without making a single sound, she had disappeared. I live a normal life as a salary man again, wondering every night if I'll ever be able to meet my wife again. ओ भाई, घोस्ट ट्रेन से हम वो बस मौत की कगार पे थे, हमारी बीवी हमें वापस ले आई, घर छोड़ दिया उसने हमें. ऐसा हुआ. ओके अगेन बाय चिलाजाट.
बट इट स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट कि वो भूतनी कौन थी, वो हमें मारना क्यों चाहती थी, एंड वो ट्रेन की क्या बैक स्टोरी थी. बस भूतिया ट्रेन थी जिसमें हम मरने वाले थे, ऑलमोस्ट मर गए थे, लेकिन हमने उन सबको मुक्ति दिलवा दी जो जो उस ट्रेन में भूत थे, उनकी चीजें उनको रिटर्न करके, तो हमको एक मौका मिल गया घर पहुंचने का. एंड फिर हमने हमारी बीवी ने, जो शायद इसी ट्रेन पे पहले गायब हो गई होगी या फिर मे बी पहले से ही मर चुकी होगी, उसने हमें घर का रास्ता वापस दिखाया. द घोस्ट ट्रेन गाइस, द घोस्ट ट्रेन, नॉट वेरी स्कैरी बट गुड गेम, आई एंजॉयड. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.